जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा सदस्यता अभियान एक सकारात्मक प्रयास है, जिसका उद्देश्य पार्टी की सदस्यता बढ़ाना और अधिक लोगों को पार्टी की नीति और विचारधारा से जोड़ना है। इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियों के माध्यम से लोगों को सदस्यता के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। भाजपा का यह प्रयास राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने और पार्टी की पहुंच को विस्तारित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाते हुए लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम कर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत 8 से 9 करोड़ लोग अब तक पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। मंदसौर से अकरम अंसारी की रिपोर्ट। दुनिया के राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में आज पृथ्वी पर सामने है। लोगों का अट्रैक्शन है, लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और इसीलिए बीजेपी ने ऑनलाइन मेंबरशिप अभियान प्रारंभ किया है। अभी अंतिम चरणों में है। अब मेंबरशिप अभियान एक दो दिन के लिए शेष बचा है। 10 करोड़ मेंबर बनने और 8.5 करोड़ से अधिक मेंबर बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं और इसीलिए लोगों का अट्रैक्शन का केंद्र है। मंदसौर का जो टारगेट है वो लगभग लगभग हम अचीव कर रहे हैं। 4 लाख के करीब मेंबर मंदसौर ने प्राप्त किए हैं। इतिहास रचने वाली है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पूरे मंदसौर जिले में सड़कों पर है, माननीय सांसद जी सड़कों पर है, पूरा भाजपा परिवार आज सड़कों पर है। सदस्यता अभियान का आखिरी दिन है आज। विशाल मेंबरशिप दिन हम मना रहे हैं। अधिक से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी जोड़ रहे हैं और लोगों का रुझान भी भारतीय जनता पार्टी की ओर है। सबका साथ सबके विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है। लगभग हमारा टारगेट 3 लाख के आसपास हम जा चुके हैं। उस टारगेट को पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पहले छुआ है, तो मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले ने छुआ है। माननीय नाना लाल अटोलिया के नेतृत्व में मंदसौर जिला प्रथम आया है। हम लोग 3 लाख सदस्य टारगेट बना रहे थे। पूरे मंदसौर जिले का जो नागरिक है उसको हम जोड़ सकते हैं। माननीय सांसद जी संसदीय क्षेत्र में जोड़ रहे हैं और हम मंदसौर जिले के लोगों को जोड़ रहे हैं।